हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अभिषेक एंड फ्रेंड्स, अभी लर्निंग मार्केट चल में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो आज की इस वीडियो में आज हम सीखेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालाइज करना फ्रेंड्स, और यहाँ पर मैं की पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको एंड की लेबल्स भी बताने वाला हूँ। ओके, एंड की पॉइंट्स की लेबल्स क्या होते हैं वो चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको बताने वाला हूँ, जैसे कि हैबिट्स के बारे में, अनसक्सेसफुल हैबिट्स या बिगिनर्स हैबिट्स या बैड हैबिट्स बोल सकते हैं, है ना, अनसक्सेसफुल ट्रेडर हैबिट्स या बिगिनर ट्रेडर हैबिट्स या बैड ट्रेडर हैबिट्स, ये सब ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है, आप इसको आप पढ़ सकते हैं। एंड मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ 2 मिनट में, ताकि आपको इजीली समझ में आए कि इसका कहने का मतलब क्या है। एंड अगर आप इस वीडियो चाहते हैं अनसक्सेसफुल ट्रेडर हैबिट्स या बैड हैबिट्स पे, या फिर आप बैड ट्रेडर हैबिट्स पे, ओके, या फिर बिगिनर ट्रेडर हैबिट्स पे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करेंगे तो मैं इस वीडियो पूरा डिटेल में बताऊंगा कि मैं आपको ये सब क्या क्या पॉइंट्स है और कैसे आपको कंट्रोल करना अपने इमोशन को, कैसे क्वांटिटी को कंट्रोल करना है, कैसे रिस्क को कंट्रोल करना है, स्टेप बाय स्टेप मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, और ये टू जेड फ्रेंड्स। ओके, आप कमेंट कर सकते हैं और तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताने की कोशिश करूंगा। हम इस वीडियो में सिर्फ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस सीखेंगे फ्रेंड्स। ओके एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर और डिस्कस करने से पहले, यहाँ पर ये टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन सकते हैं, लिंक आपको डिस्कस में देगा। जितनी भी इंफॉर्मेशन अगर मेरे बारे में जानना चाहते हैं, मेरी जर्नी के बारे में, तो इस ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन, एवरी सिंगल डे का ट्रेडिंग का यहाँ पर जो भी ट्रेड करता हूँ सब मैं पोस्ट करता रहता हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन मैं वीडियो को मैं शूट करके बताने वाला, जैसे इस वीडियो को मैं शूट कर रहा हूँ बताने के लिए, तो इससे पहले मैं ही यहाँ पर मैं पोस्ट कर देता हूँ वो इन्फॉर्मेशन, ताकि आप पहले ही से ही थोड़ा प्रिपेयर हो जाए कि क्या सीखने वाले हैं आप। ओके, तो आप इस ग्रुप को ज्वाइन सकते हैं, और कुछ भी जो भी इन्फॉर्मेशन आपको जानना है मेरे बारे में, मेरे ट्रेडिंग के बारे में, तो आप यहाँ पर जान सकते हैं फ्रेंड्स, आप ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले थोड़ा सा मैं निफ्टी का व्यू बता देता हूँ। निफ्टी का फ्रेंड सिंपल सा लॉजिक है, अभी यहाँ पर मार्केट क्या कर रहा है, सबसे पहले आप डेली पे जाइए। ओके, डेली का जो ट्रेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अब मैं आपको बताता हूँ कि की पॉइंट्स क्या होते हैं। की पॉइंट्स में सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल एंड प्लस इज नथिंग, तो दिस इज ईयर डिमांड जो लेवल है एंड प्राइस ईयर डिमांड जो लेवल रिस्पेक्ट, तो प्राइस जो रिवर्स होना चाहिए वो दिस डिमांड जो लेवल से। यानी कहने का मतलब माय डियर फ्रेंड्स ये है कि प्राइस जो है ये दिस इज फेल डिमांड जो लेवल एंड प्राइस ईयर बाय सकती एंड मार्केट ईयर गोइंग अप। तो जब भी प्राइस ईयर रिवर्स, यानी ये डेली पे प्राइस क्या है, या रिवर्सल साइन, या डबल बॉटम एंड या नेक लाइन ब्रेकआउट। ओके, तो प्राइस जब भी हियर हिट होने लगा, यानी इस सिचुएशन में जब भी, यानी प्राइस है 17,300 पे, अगर प्राइस आता है 17,300 या 17,200, तो यहां से डेफिनेटली मार्केट रिवर्स होगा अप ट्रेंड के लिए। ओके, ये मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ और ऐसा होना चाहिए फ्रेंड, क्योंकि इंपॉर्टेंस लेवल जो है वो यही है, क्योंकि जैसे एसएनआर लेवल्स एंड प्रीवियस डिमांड जो लेवल एंड डिमांड जोन फेल एंड हियर रिवर्सल साइन, यानी मार्केट गोइंग अप ट्रेंड प्लस हियर ब्रेकआउट नेक लाइन प्लस हियर डबल बॉटम, या आप इसे डब्लू पैटर्न बोल सकते हैं। तो 17,300 है ना, अभी 17,500 प्राइस क्लोज है, तो 17,000 अगर 300 के पास प्राइस आता है, यानी 300 17,300 या 17,400 के बीच में, तो मुझे लगता है कि प्राइस को जो रिस्पेक्ट करना चाहिए। 17,330 या 17,300 तक प्राइस अगर आता है डाउन एंड, तो प्राइस क्या होगा, रिवर्स होने का अपट्रेंड के लिए काफ़ी ज़्यादा चांसेस है, काफ़ी ज़्यादा चांसेस कि प्राइस जब भी डाउन आएगा तो प्राइस रिवर्स होने का पूरा चांसेस मुझे लगता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंस लेवल है, आपको ध्यान रखना है 17,300 लेवल्स एंड 17,200 300 के आसपास। ओके, ये अपना डेली टाइम फ्रेम पे, एंड थोड़ा सा हम लोअर टाइम फ्रेम पर देख सकते हैं कि अगर हम 1-2 मिनट, 1 मिनट या 3 मिनट पर ट्रेड कर रहे हैं, तो उस केस में अपने को हम वो H1 का देख सकते हैं हाई टाइम फ्रेम। तो अभी यहाँ पर जो मार्केट है, अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पर व्यू बताता हूँ। अब ये एरिया क्या है, ये एक्युमुलेशन एरिया हुआ। ओके, ये एक्युमुलेशन एरिया हुआ, बट की पॉइंट्स लेबल्स जो है वो ये, जो की पॉइंट्स लेबल है फ्रेंड्स वो क्या है, वो हमारा ये की पॉइंट्स लेबल है, आप देख सकते हैं ये क्या, ये की पॉइंट्स लेबल, जैसे लोअर हाई पॉइंट। ओके, अब यहाँ पर जो पॉइंट्स चल रहा है वो क्या चल रहा है, ये रहा लो, ये रहा लोअर हाई एंड ये रहा करेक्शन एरिया, तो दिस इज हियर ऑटोमेटिक रैली और प्राइस हियर गोइंग डाउन एंड हियर क्या है, एंड हियर की पॉइंट एंड हियर रिवर्सल साइन एंड हियर ब्रेकआउट एंड हियर गोइंग डाउन।
ओके, तो ये भी हो सकता है फ्रेंड। ओके, तो यहाँ पर पूरा जो चांसेस है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ एंड प्राइस हिट किया 300 लेवल को, तो प्राइस रिवर्स होगा बुलिश ट्रेंड। ओके ओके, एंड अगर प्राइस अप साइड ट्रेंड ब्रेकआउट दिया तो मार्केट कंटिन्यू होगा अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि H1 है तो मार्केट इजिली हियर 400-500 पॉइंट ऊपर जा सकता है इजिली। ओके, क्योंकि ये भी लेवल हमारा क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, एंड ब्रेकआउट होगा तो प्राइस क्या होगा, डेफिनेटली गोइंग अप ट्रेंड। ओके, यानी 17,600 अगर लेवल ब्रेकआउट होता है तो आप बाय पोजिशन एक्टिव कर सकते हैं, एंड 17,300 लेवल प्राइस आता है 17,300 या 17,250 के आसपास, तो यहाँ पर रिवर्सल साइन बनेगा अप ट्रेंड के लिए, क्योंकि जिसे डिमांड जोन रहती है, नियर बाय डिमांड जोन एंड प्रीवियस ईयर गोइंग हियर बायर्स एरिया। ओके, तो इसे बायर्स ईयर मोमेंट। ओके, एंड ये डिमांड जो लेवल हियर गैप अप ओपन, दिस इज बायर्स एरिया। ओके, ये कंटिन्यूस बायर्स, एंड हियर रिटेस्ट अगेन हियर बायर्स एरिया, करेक्ट। तो दिस इज इन स्ट्रॉन्ग लेवल है फ्रेंड, तो यहाँ पर आप अपना व्यू बना सकते हैं रिवर्सल साइन का, एंड ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पर अप ट्रेंड का साइन, करेक्ट है। एंड प्लस यहाँ पर कंसोलिडेशन प्राइस है, तो यहाँ पर डेफिनेटली हियर के रिवर्सल साइन, अगेन हियर रिवर्सल साइन, तो हियर प्राइस क्या होगा, ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट एंड हियर गोइंग अप ट्रेंड। तो करेक्शन, जब भी करेक्शन होगा तो ये मत सोचिए कि प्राइस डाउन होगा, करेक्शन होगा तो प्राइस क्या होगा, रिटेस्ट करने के बाद लेवल पे डिमांड जो लेवल पे वो कंटिन्यू ही अप ट्रेंड होगा, तो यहाँ पर सेल पोजीशन मत एक्टिव कीजिएगा। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है इस लेवल को, 17,600 का लेवल ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट में जब भी प्राइस करेक्शन होता है तो जस्ट वेट कीजिएगा डिमांड जो लेवल पे, अगेन प्राइस रिवर्स होगा अप ट्रेंड के लिए। ओके, क्योंकि क्या ये की लेवल्स ब्रेकआउट है फ्रेंड्स। ओके, एंड अगर प्राइस ये गैप डाउन ओपन होता है तो 17,300 17,250 पे आप रिवर्स होगा, तो यहाँ पर भी बाय पोजीशन ठीक कर सकते हैं। यानी कहने का ओवरऑल मतलब ये है कि यहाँ पर सेल पोजीशन कोई अभी नहीं मिल रहा है फ्रेंड्स। ओके, जहाँ तक पॉइंटर यहाँ पर व्यू है कि सेल पोजीशन नहीं मिल सकता है, बट अगर यहाँ पर अगर मार्केट रिवर्स होगा तो यहीं पर सेल पोजीशन अगर आप बना सकते हैं तो बना सकते हैं, अदरवाइज सेल पोजीशन यहाँ पर नहीं है। जब भी ये ब्रेकआउट होगा कंसोलिडेशन एरिया तो सेल पोजीशन बना सकते हैं, बट यहाँ पर सेल पोजीशन बनाएंगे ज़्यादा पॉइंट आपको मिलने का चांसेस कम है, बट अगर रिवर्स होगा तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पॉइंट मिलने का चांसेस है। तो ये लेवल से पहले 17,600 17,350 सॉरी 300 एंड 17,250, ये निफ्टी का हमारा लेवल है। एंड बैंक निफ्टी का भी हम देख लेते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं, यहाँ पर भी हमारा सेम सिचुएशन है, बट इस सिचुएशन में मैं आपको बताता हूँ, इस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ प्राइस क्या होनी चाहिए, मार्केट अप ट्रेंड नहीं होगा। अभी मार्केट क्यों अप ट्रेंड नहीं होगा वो मैं आपको बताता हूँ, कि फॉर एग्जाम्पल ये डेली टाइम फ्रेम, एंड सॉरी मैं आपको बताता हूँ दिस लेवल, तो यहाँ पर हम पहले डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। थोड़ा सा मैं आपको, सेम सिचुएशन है बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस अभी क्या है वो मैं बताता हूँ। जैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल एरिया पॉइंट, ओके, एंड प्राइस या नेक लाइन ब्रेकआउट, एंड जैसे नेक लाइन पे ये क्लियर ये डबल बॉटम एरिया, ओके, बट ये सप्लाई जो एरिया एंड प्राइस या रिटेस्ट, ओके, एंड प्राइस या पुल बैक, तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइस को जो चांसेस है, प्राइस थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिवर्स होने का चांसेस है। ओके, प्राइस जब भी गैप अप ओपन होगा, यहाँ पर जब भी प्राइस थोड़ा गैप अप ओपन होगा या गैप डाउन ओपन होगा तो मार्केट ऊपर जाने के बाद क्या होगा, रिवर्स होगा डाउन ट्रेंड के लिए। जैसे H1 पे क्लियरली हियर क्या ये चार्ट पैटर्न है। अब ये चार्ट पैटर्न का मतलब ये है कि फ्रेंड, अगर यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, जो सिचुएशन मैं बता रहा हूँ फिर से आप समझिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्लियरली हियर ट्रेंड चार्ट पैटर्न, ओके, चार्ट पैटर्न, तो प्राइस क्या करेगा, अगर प्राइस ऊपर गया तो क्या होगा, कुछ क्या होगा, अगेन ड्रॉप होगा। ओके, ये दिस इज सप्लाई जोन एरिया, हियर स्ट्रॉन्ग सेलर्स, ये ड्रॉप एरिया। ओके, तो प्राइस जब भी ऊपर जाएगा तो आप ध्यान दीजिएगा, ऊपर का बाय यहाँ पर नहीं कर सकते, यहाँ पर सेल एक्टिव कब करेंगे, जब प्राइस करेक्शन होके थोड़ा सा रिटेस्ट करेगा आप ट्रेंड के लिए, तब जाके आप सेल पोजिशन यहाँ पर बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि बैंक निफ्टी में आप सेल पोजिशन बना सकते हैं इजिली 37,400 के आसपास या 37,600 के आसपास, अगर प्राइस जाता है इस एरिया में तो। अगर थोड़ा सा गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा सा भी अगर 100 पॉइंट, अगर 100-200 पॉइंट अगर गैप ओपन होता है, 37,200 के ऊपर अगर मार्केट खुलता है, तो आप इजिली या 600 या 400 के आसपास यहाँ पर आप रिवर्स यहाँ पर सेल पोजिशन आप बना सकते हैं। ओके, बट अगर मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ, फॉर एग्जाम्पल 37,000 या ओपन हो गया मार्केट, या 37,100 अगर ओपन हो गया, तो यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंस पॉइंट ये फ्रेंड कि
तो यहाँ पर क्या होगा, मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा अप ट्रेंड के लिए, तब जाके यहाँ पर मार्केट क्या होता है, रिवर्स हो सकता है। बट यहाँ पर फेक ब्रेकआउट होने काफ़ी ज़्यादा, यानी 36,800 या 36,900 के डाउन प्राइस आने के बाद तभी जाके ऐसे प्राइस ऊपर यू टर्न होगा, डायरेक्टली 36 या 37,000 के प्राइस यहाँ पर ऊपर नहीं होगा। तो जब भी यहाँ पर गैप डाउन ओपन होगा तब मार्केट को डाउन आने दीजिएगा, उसके बाद जब ऊपर जाएगा तब जाके आप बाई पोजिशन का एक्टिव कीजिएगा। ओके, ऊपर जाने के बाद जैसे मार्केट डाउन होगा तब जाके यहाँ पर सप्लाई सॉरी डिमांड जोन पे आप बाई पोजिशन बना सकते हैं। ये हमारा डाउन डाउन ट्रेंड का व्यू है फ्रेंड्स। जब मार्केट डाउन होगा तो आप वेट कीजिएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, अगेन डाउन होगा, करेक्शन होगा, तब जाके आप बाय पोजिशन बनाइएगा। ओके, एंड अगर मार्केट 37,400 37,700 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा, जैसे करेक्शन होगा डाउन ट्रेंड के लिए, तो इस लोअर हाई पॉइंट को आप यहाँ पर ट्रेंड निकाल सकते हैं फ्रेंड। तो हमारा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का ये रहा व्यू फ्रेंड। तो यहाँ पर मैं प्लस लाइव मार्केट में यहाँ पर मैं इसके बताता रहूँगा आप लोगों को, जैसे जैसे पॉइंट्स व्यू बनते रहते हैं तो ग्रुप का आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको यहाँ पर पॉइंट्स जो है क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर क्या क्या की पॉइंट्स था। की पॉइंट्स हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल था, प्लस हमारा ये सप्लाई जो एरिया है, तो ये सारे सप्लाई जो एरिया, ये सारे क्या, ये की पॉइंट्स है फ्रेंड। ओके, तो प्राइस जब भी इस एरिया में जाएगा, जैसे ब्रेक करेगा यानी जैसे सप्लाई जोन फेल होगा वैसे हमारी प्राइस रिवर्स होने की कोशिश करेगी। ओके, एंड जैसे ये डिमांड जोन लेवल फेल होगा तो प्राइस क्या करेगा, जैसे डिमांड जोन लेवल फेल होगा तो प्राइस क्या करेगा, यू टर्न, यानी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम फेक ब्रेकआउट होने वाला है मंडे को, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों फेक ब्रेकआउट होने वाला है मंडे को, जहाँ तक पूरा का पूरा व्यू दिख रहा है। ओके, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो को वॉच करने के लिए। एंड अगर आप चाहते हैं कि हाइब्रिड के ऊपर साथ वीडियो, अगर चाहते हैं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो आपको इग्नोर करने चाहिए एवरी डे जब आप ट्रेड करते हैं, कौन कौन से पॉइंट को आपको इग्नोर करना चाहिए, ओके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैक्सिमम कमेंट अगर होंगे तो फ्रेंड्स मैं आपको वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड वीडियो को वॉच करने के लिए। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन भी कर सकते हैं ये सारे। ओके, ये मेंटरशिप प्रोग्राम डिटेल्स है एंड ये फीस है, एंड ये यहाँ पर जो क्लासेस मिलती है वो आपको पर्सनल क्लासेस मिलती है। मेंटोर का मतलब, मेंटोर मतलब क्लासेस, पर्सनल क्लासेस। ओके, यहाँ पर ग्रुप वाइज कोई क्लासेस में वेबिनार मैं नहीं प्रोवाइड करता हूँ, यहाँ पर पर्सनल मेंटोर मैं करता हूँ। ओके, यानी 1-to-1 है ना, 1 person। ओके, यानी आप और हम रहेंगे। ओके, तो आप यहाँ मेंटोरशिप का मतलब ये होता है फ्रेंड्स, बहुत लोगों का रॉन्ग थिंकिंग हो जाता है तो मैं इसलिए मैं आपको क्लियर कर दिया। एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड, फाइनली मिलते हैं।